ये बात है 1992 की, जब पेप्सी ने फिलीपींस में एक नया कॉन्टेस्ट लॉन्च किया और एंड में जाकर इसी कॉन्टेस्ट के चलते बहुत सारे लोग घायल हुए और 5 लोगों की जान भी गई। इस कॉन्टेस्ट का नाम था द नंबर फीवर। कॉन्टेस्ट के पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल था। हर रोज शाम को न्यूज़ चैनल पे एक नंबर रिलीज किया जाएगा और अगर आपकी पेप्सी बॉटल की कैप के पीछे वो नंबर है तो आप जीत जाओगे 1 मिलियन पैसोस। एक्चुअल में पैसोस फिलीपींस की करेंसी है, जैसे कि इंडिया में INR या फिर इंडियन रुपीस माना जाता है। और उस समय में 1992 के टाइम में 1 मिलियन पैसोस जीतना चुटकी बजाकर अमीर बनने के जैसा था। तो इसी वजह से ये कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लोग अपने घरों में पेप्सी बॉटल कैप्स के ढेर लगाने लग गए। कई लोग कूड़ेदानों में से भी बॉटल कैप्स को ढूंढ ढूंढ कर घर ले जाते, इस उम्मीद में कि क्या पता उनकी लॉटरी लग जाए। पेप्सी के एक सर्वे के अकॉर्डिंग उस टाइम में फिलीपींस की लगभग हाफ पॉपुलेशन इस कॉन्टेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी और इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए पेप्सी ने इस कॉन्टेस्ट को 5 हफ्ते एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया। और यही वो टाइम था जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गईं। ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट पेप्सी को ऐसा लग रहा था कि वो कंप्लीट कंट्रोल में है। बॉटल कैप्स के ऊपर रैंडम नंबर्स और नंबर ऑफ विनर्स को डिसाइड करने के लिए पेप्सी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर रिलाई कर रहा था। पेप्सी के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को कुछ ऐसे फंक्शन करना था कि ये बॉटल प्लांट्स में बॉटल कैप्स के लिए मिलियंस ऑफ रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा और उन मिलियंस ऑफ रैंडम नंबर्स में से केवल 2 ही ऐसे विनिंग नंबर्स होंगे जिन्हें के प्राइज मनी दिया जाएगा। 2 विनिंग कैप्स मतलब 2 विनर्स और पेप्सी के अपने कॉन्टेस्ट बजट के अकॉर्डिंग 2 मिलियन पैसोस वर्थ ऑफ प्राइज मनी काफ़ी था। बट जब इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया तब इस प्रोग्राम में एक ग्लिच आ जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लिच कुछ बॉटल कैप नंबर्स मिक्सअप हो जाते हैं। और जब 25 मई 1992 को शाम 6 बजे रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो भाई वहाँ पे एक अलग ही खेल हो जाता है। शाम को 6 बजे चैनल 2 न्यूज़ विनिंग नंबर बताती है 349 और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग केवल 2 विनर्स होने चाहिए थे, मगर यहाँ पे देश भर में हजारों की तादाद में लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। अभी तक पूरे फिलीपींस के अलग अलग पेप्सी के प्लांट्स में कम से कम 6 लाख से ज़्यादा 349 की बॉटल कैप्स छप चुकी थी। 349 नंबर की कैप्स इतनी ज़्यादा कॉमन थी कि कई लोगों के पास में तो एक से ज़्यादा कैप्स थी। 25 मई की रात को लोग सड़कों पर निकल गए सेलिब्रेट करने के लिए। सबको ऐसा लग रहा था कि उनकी मुश्किलें अब ख़त्म हो चुकी हैं, वो सब लोग अब रिच बन चुके हैं। हर कोई अपने आप को एक मिलियनेयर समझ रहा था। देखते ही देखते लोगों ने पेप्सी की फैक्ट्री के बाहर भीड़ लगा दी। सबके हाथ में वही 349 नंबर की बॉटल कैप्स थी। फैक्ट्रीज के बाहर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि वहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ी और पेप्सी को अपनी फैक्ट्रीज के शटर डालने पड़े। पेप्सी को अब तक ये रियलाइज़ हो चुका था कि उसके प्रोग्राम ने ग्लिच कर दिया है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। आधी रात में ही एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की एक मीटिंग बुलाई गई जिससे कि इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला जा सके, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि अगर पेप्सी इसको पे करने का डिसीजन लेता है तो उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने पड़ते ऐसे लोगों को जो कि विनर्स होने का दावा कर रहे थे एक कंप्यूटर प्रोग्राम ग्लिच की वजह से। इसलिए मैनेजमेंट ने अपनी इस गलती को छुपाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को ही ब्लेम कर दिया एंड इंस्टेड दे ऑफर टू पे 500 पेसोस टू ईच ऑफ द विनर्स एज ए कंपनसेशन अमाउंट। अब ये सुनकर लोग भड़क गए क्योंकि जहां पहले 1 मिलियन पेसोस मिल रहे थे उन्हें एज ए विनर, वहां पे केवल उन्हें 500 पेसोस दिए जा रहे थे जो कि अगर हम देखें तो केवल 0.5% होता है ओरिजिनल अमाउंट का। अब जहां पर कुछ लोगों ने तो इस बात को मान लिया और 500 पेसोस ले लिए, बट कई लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि एक मल्टीनेशनल $1 बिलियन कंपनी इस तरीके की प्रोग्रामिंग ग्लिच भी कर सकती है और लोगों ने इस चीज़ को एज ए फ्रॉड देखना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि पेप्सिको एक $1 बिलियन कॉरपोरेशन है और उसे कॉन्टेस्ट की पॉलिसीज़ को ऑनर करना चाहिए और लोगों को पूरा अमाउंट देना चाहिए, मगर इस बात से पेप्सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरे देश में वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। पेप्सी के इस कॉन्टेस्ट को वर्ल्ड्स वर्स्ट मार्केटिंग कैंपेन कहा गया और अल्टीमेटली इन प्रोटेस्ट के चलते 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पूरे देश में जगह जगह पर 349 विनर्स की भीड़ लगने लग गई। लोग पेप्सिको के फैक्ट्रीज के अंदर घुसने लग गए, उसमें मोलोटॉव्स फेंकने लग गए, फैक्ट्री के सामानों को तोड़ना, पेप्सिको के ट्रक्स को जलाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल सड़कों पर आम बात होने लग गई थी। लोगों में पेप्सी के लिए इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर गया था कि वो इसे कम्प्लीटली बॉयकॉट कर देना चाहते थे। जब इस तरीके के दंगों की वजह से लोगों को अरेस्ट करे जाने लगा और जब कुछ लोगों की मौत भी हो गई तो फिर लोगों ने पेप्सी के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेने का सोचा। पेप्सी कोअलिशन 349 के नाम से एक ग्रुप बनाया गया जिसने के पेप्सी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया।
इस ग्रुप के लीडर का नाम था डेल फियरो। डेल फियरो ने 800 लोगों की एक टीम बनाई और पेप्सी को 400 मिलियन डॉलर्स के लिए सू कर दिया। केस कोर्ट में पहुंच गया और ऐसे चलते चलते 1993 का एंड आ गया। बाय द एंड ऑफ 1993 देयर कम्स अ ट्विस्ट इन द स्टोरी ऑफ पेप्सी। उस टाइम की न्यूज हेडलाइंस में ऐसी खबर आने लगी कि पेप्सी ने अपने ही ट्रक्स को खुद बॉम्ब करवाया था और गुंडे हायर करे थे फैक्ट्री में तोड़फोड़ और नुकसान करने के लिए। ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस एक पुलिस ऑफिसर की टेस्टिमोनी के ऊपर बेस्ड थी जिसने बताया कि पेप्सी ने अपने अपोजिशन 349 कोलिजन विनर्स का केस कोर्ट में वीक दिखाने के लिए उन्हें एज ए टेररिस्ट फ्रेम करा। पुलिस ऑफिसर का ये कहना था कि इस काम के लिए पेप्सी ने मर्सिनरीज को हायर करा और उसने अपने ही ट्रक्स में खुद आग लगवाई और अपनी फैक्ट्रीज पर अटैक्स करवाए। अब इस पुलिस ऑफिसर के बयान के बाद और उनका भी ये कहना था कि पेप्सी ने उन्हें पे करा प्रोटेस्टर्स के ग्रुप के बीच में मिलकर अपनी ही गाड़ियों में आग लगाने के लिए, मगर पेप्सी के लॉयर ने इन सभी बातों को सिर्फ एलिगेशंस बताकर डिनाई कर दिया। एंड दिस वाज बेसिकली द एंड ऑफ इट। इन द एंड ऑफ 1993 कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया और पेप्सी के 9 एग्जीक्यूटिव्स को इस केस में सजा सुनाई गई। अब कहने को तो ये 349 कोएलिशन विनर्स के लिए एक अच्छी जीत साबित हो रही थी, बट ये उनकी आखिरी जीत थी। इसके बाद में कोर्ट के सामने कई सिविल केसेस, कई सिविल सूट्स ले जाए गए, बट कोर्ट ने सभी केसेस को खारिज कर दिया और फाइनली 2006 में इस केस को क्लोज कर दिया गया। इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन लोगों को बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट मिला। कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग इस ग्लिच के लिए पेप्सी को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। एट द एंड ऑफ इट पेप्सी को सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन देना पड़ा जो कि था सिर्फ 1.5 लाख पैसों। वैसे अगर देखा जाए तो दिस वॉज मोस्टली अराउंड मनी, पर आज भी फिलीपींस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नंबर फीवर को बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस किया था और इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पेप्सी के नाम से ही ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। अभी हाल ही में जब पेप्सी से सवाल पूछा गया कि उनका क्या रिस्पॉन्स है ऑन द नंबर फीवर डिजास्टर, तो उनका कुछ ऐसा कहना था। ये इवेंट्स कुछ 30 साल पहले हुए थे और इन इवेंट्स से रिलेटेड कोई भी एग्जीक्यूटिव्स अभी हमारे कॉरपोरेशन में काम नहीं करते हैं। हमारी उस समय की गलतियों की वजह से फिलीपींस के लोगों को जो दर्द और दुख का सामना करना पड़ा उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।